वही हिमाचल प्रदेश के मंडी से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर चीन की एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। चोंगसा तिब्बती बौद्ध मठ से पुलिस ने चीनी मूल की इस महिला गुआन राइली को गिरफ्तार किया है और इस महिला को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इसी के साथ में इस महिला के पास से 2 मोबाइल फोन और 6 लाख और 1 लाख नेपाली करेंसी बरामद हुई है। महिला के गिरफ्तारी के बाद बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है और इस महिला से भी दलाई लामा की जासूसी के शक में सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चीन की एक महिला को गिरफ्तार किया गया। चोंगसा तिब्बती बौद्ध मठ से पुलिस ने इस चीनी मूल की महिला को गिरफ्तार किया है। इसके पास से कई चीजें पुलिस को बरामद हुई हैं, लिहाजा पूछताछ के लिए 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और इसी के साथ में बौद्ध गुरु दलाई लामा की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है।